हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लेडी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पेट के अंदर बहुत दर्द हो रहा था और सोनोग्राफी कराने पर पता चलता है कि इनके बच्चेदानी के अंदर एक गांठ थी जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं। फाइब्रॉइड का जो पोजीशन था बहुत स्पेसिफिक है। इनका ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के जस्ट नीचे की तरफ इसका पोजीशन है, 3.5-4 सेंटीमीटर के करीब इतनी बड़ी गांठ है। ब्लैडर के नीचे पोजीशन होने के कारण जो इनको स्पेसिफिक एक सिम्टम आ रहा है कि बार बार इनको यूरिन आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर पे इरिटेशन हो रहा था जिसकी वजह से इनका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, यानी कि बार बार यूरिन जाने की इच्छा इनको हो रही थी और यूरिन जाने के बाद भी इनको ये लग रहा था कि अभी यूरिन और जाना है। ऐसी स्थिति में कई बार जब गांठ का साइज बढ़ जाता है तो यूरिन उतरने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी पेशाब रुक जाता है। तो ये भी एक फाइब्रॉइड का सिम्टम होता है जो जनरली इग्नोर किया जाता है, क्योंकि जनरली जो फाइब्रॉइड का कॉमन सिम्टम होता है वो होता है कि बहुत ज्यादा पेट के अंदर भारीपन लगना या महीने भारी आना या महीने बार बार आना, लेकिन इसके पोजीशन स्पेसिफिक होने के कारण ब्लैडर के सिम्टम्स यानी यूरिनरी या पेशाब के सिम्टम्स इनको आ रहे थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम था इस फाइब्रॉइड को डायग्नोस करने के लिए। और सोनोग्राफी एक ऐसा साधन है जिससे क्लियर पता चल पाता है कि कहाँ पे लोकेशन है गांठ का, कितनी बड़ी गांठ है, कैसी गांठ है, वो सारी चीज़ हमें सोनोग्राफी से पता चल पाती है। तो इनका फिर फाइनली इनका फैमिली पूरा हो चुका है और ये दोबारा फाइब्रॉइड होने का रिस्क लेना नहीं चाहते थे, तो इनकी इच्छा के अनुसार फाइनली हमने यूट्रस रिमूव करने का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट डे आफ्टर सर्जरी अब लग रहा है कि ऐसा कोई पैसा पेडो में भारीपन या पेशाब जाने की दिक्कत या कुछ लग रहा है अभी? भारीपन लग रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि गई तो ठीक करूंगा। अच्छा, वो अभी थोड़ा सा तकलीफ होगी हल्की सी, शाम तक सब ठीक हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, कल जो हमने ऑपरेशन किया था, जो बच्चेदानी के अंदर जो फाइब्रॉइड था वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर था और पेशाब की थैली के पास में था। तो फाइनली इन्होंने दूरबीन वाला जो बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन होता है जिसको टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी बोलते हैं, उसको ऑप्ट किया और कल इनका ऑपरेशन हुआ है 4-5 बजे के आसपास। और अभी 10 बज रहे हैं घड़ी में और आराम से घूम फिर पा रही हैं, चल फिर पा रही हैं और उन्होंने चाय पानी अपना बिस्किट वगैरह सब ले लिया है और अभी 2-3 घंटे में हम उनकी छुट्टी भी कर देंगे। उनको किसी प्रकार का परहेज भी नहीं बताया गया है। तो पेशेंट इज कंफर्टेबल, कॉन्शियस और आप देख भी पा रहे हैं कि वो घूम फिर रही है आराम से और आराम से अपना सारा काम कर पा रही है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो यदि यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है तो दोनों तरह की सर्जरी पॉसिबल है, केवल फाइब्रॉइड निकाला जा सकता है या पूरा यूट्रस निकाला जा सकता है। पेशेंट की उम्र ज्यादा थी और उन्हें डजन वांट की रिपीटेड कि दोबारा से उनको गांठ का प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए उन्होंने हिस्टेक्टमी यानी यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन चूज किया। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए वो चूज कर सकते हैं, दोनों ही सक्सेसफुल हैं, बढ़िया हैं और आपकी जरूरत के अनुसार किए जा सकते हैं।